You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साद। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव, हमारा सबसे ज़्यादा खेलने वाला और सबसे ज़्यादा तकरीबन सबसे ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हमारे पास मेल कैट है। लेकिन क्या आप लोगों को याद है ये कौन सा बिल्ला है? शक्ल दिखा दो ज़रा, शायद आप लोगों को याद भी ना हो। आज से 2 साल पहले मैंने इसकी वीडियो डाली थी। पहले ज़रा जाके क्लिप्स देखें आप और फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कौन सा बिल्ला है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी वीडियो में हमारे साथ साथ देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, भागता है, दौड़ता है, हाथों में नहीं आता ज़्यादा। तो इसके ज़्यादा हम तंग भी नहीं करेंगे अभी, ना ही करना चाहिए कैट्स को तंग। इसको हम जो है ना वो जाने देते हैं फिलहाल, चलो। और ये भाग गया। आज की वीडियो का टॉपिक ये होगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक तो मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 20 से 25 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैं आप लोगों को बताऊंगा पिछले अब ये 2 साल से ज़्यादा की एज का हो गया। मैं आप लोगों को बताऊंगा तकरीबन पूरे 2 साल हो गए इसको मेरे पास आए हुए। मेरे ख्याल से ये मेरे पास आए हुए बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा इन 2 सालों में हमने ये कितनी दफ़ा बीमार हुआ, हमने इसको क्या क्या ऐसा कुछ दिया, क्या ऐसा कुछ किया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा खेलता है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमने इसके साथ की हैं। वीडियो छोटी सी होगी, एंड तक लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब ये मेरे पास आया था तो आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं ना देखी वो जाके देखी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो किटन्स पाल रहे हैं या जिनको रेस्क्यू का शौक है या वैसे ही किटन्स वगैरह का शौक है। उसके लिए इसकी पहले 20 से 25 दिन की जो थी वो जर्नी थी, कैसे इसको मरने से बचाया था, क्या क्या मसले मसाइल थे। लेकिन हम बात करेंगे उसके ऑनवर्ड के मैंने ऐसे क्या क्या चीज़ें की हैं कि ये माशाल्लाह से अभी तक हेल्दी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र नहीं लगाया, अभी माशाल्लाह कह दीजिएगा, अभी तक ये उसके बाद कभी बीमार नहीं हुआ, कभी भी ये बीमार नहीं हुआ। हमने मैंने क्या ऐसी चीज़ें की हैं कि ये अभी तक हेल्दी है और एक्टिव है और बीमार नहीं हुआ। उसकी सबसे पहली बात ये थी कि जैसे ही ये थोड़ा सा बेहतर हुआ था, सबसे पहले मैंने इसकी डिवर्मिंग करवाई थी। डिवर्मिंग मैं हमेशा कह दूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं आप में 50% से ज़्यादा बीमारियों से वैसे ही आपकी कैट जो है वो बच जाती है, जो कि ख़ास तौर पर अगर 90% उनमें से बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो कि जानलेवा हैं। उसके अलावा जो इसकी डाइट थी वो शुरू से मैंने होममेड ही रखी है। मैंने इसको कभी भी जो है कोई भी किसी किस्म का ड्राई फ्रूट नहीं दिया। अब ये मेबेल भी खाता है, और जो मेबेल जिन लोगों का नहीं पता मैं आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है इस फूड की। और पिछले कई टाइम से जो है ये हम जब से ये 5-6 महीने से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, इसकी सैम्पलिंग कर रहे थे, तब से ये भी खा रहा है, उसका ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये एक्टिव है, तंग नहीं करता ज़्यादा, मतलब कि मारता नहीं है, लड़ता नहीं है, उसकी वजह यह कि जैसे ही ये 7 मंथ्स का हुआ था मैंने इसको न्यूट्रेट करवा दिया था। इससे पहले ये स्प्रेइंग शुरू करता या फिर कुछ और शुरू करता, लड़ता मेल कैट्स से, क्योंकि यहाँ पे और भी कैट्स हैं। तो उससे पहले मैंने इसको न्यूट्रेट करवा दी। न्यूट्रेट करवाने के बाद इसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, क्योंकि ये इस कंडीशन में मेरे पास आया था कि उसके कहीं माँ बाप तक इसकी ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। उसकी वजह ये थी कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोथ था, अंडर डेवलप था, और इसकी जो है वो ग्रोथ सी ठीक से नहीं हुई। लेकिन न्यूट्रिंग के बाद सबसे ज़्यादा मैंने इसकी ग्रोथ देखी है। दिखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन वज़न इसका तकरीबन आम जितने पर्शियन कैट्स होते हैं बिल्ले 4-5 kg के, तकरीबन कम से कम 4 से 4.5 kg इसका वेट है, जबकि इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है कि ये डोमेस्टिक कैट है, दूसरी वजह इसकी ये है कि ये काफ़ी टाइम जो है बीमार रहा था, और तकरीबन जब ये 1.5 महीने का था तब वो ये तकरीबन 15 दिन का लगता था। और ये बिल्ला ऐसा है कि इसने ख़ुद तो सर्वाइव किया, लेकिन इसकी वजह से एक कैट की जान भी बची हुई है। बड़े हैरान होंगे आप लोग सुन के कि ये कैसे किसी की जान बचा सकता है। जब ये 1.25 साल का था या 1.5 साल का था तो इसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसकी हमने की थी, इसको हम बीमार बिल्ली को जो है हमने इसको ब्लड लगाया था, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले दिनों मेरी ये कैट बीमार हुई थी, और शायद आप लोग तक लगता है कि हम जो बिल्लियाँ पालते हैं जिनके क्लिनिक्स होंगे जानवर बीमार नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मरते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये है कि बाकियों से बहुत कम ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं। तो मेरी ये कैट मरते मरते बची है, उसको बचाने में सबसे बड़ा हाथ था पुष्पा का।
मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन डोनर जो है ना वो स्ट्रे कैट हो सकती है या मिक्स ब्रीड हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उसके ब्लड के अंदर। अगर वो ख़ास तौर पर वैक्सीनेटेड हो, नॉन वैक्सीनेटेड नहीं, वैक्सीनेटेड हो तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ये भी वैक्सीनेटेड था, इसने भी ये कैट की जान बचाई थी। पुष्पा भी जो है वो वैक्सीनेटेड है, उसने भी कैट की मरते हुए जान बचाई है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर भी अगर आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, अच्छी डाइट और रेगुलर डिवर्मिंग और रेगुलर जो है ईयरली उसकी वैक्सीनेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों ने लाजमी करवानी होती है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो शायद आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो टाइम काम चल जाता है, लेकिन इन चीज़ों के अलावा काम नहीं चलता। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, हमारी जौहर टाउन के अंदर तकरीबन ब्रांच रेडी हो चुकी है और कुछ दिनों में फंक्शनल होने वाली है। उसके ऊपर जो ऑफर्स लगने वाली है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फ्री चेकअप्स होंगे उधर और जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर बड़ी बड़ी सेल लगने लगी है। तो आप लोग रेडी रहें, मैं आज जल्दी ही उसके बारे में ऐलान करूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।